हेलो एवरीवन। तो ये वही वीडियो है जिसका तुम लोगों को काफ़ी दिनों से इंतजार था। इसमें हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि कॉलेज प्रेफरेंस एंड चॉइस फिलिंग क्या करना है, ठीक है? क्योंकि यही दो पॉइंट है जो कि डिसाइड करेगा कि तुम आने वाले 4 साल में कौन सा कॉलेज में पढ़ोगे और कौन सा ब्रांच लेके पढ़ोगे। तो ये दो पॉइंट को ज़रा ढंग से समझना और चॉइस फिलिंग को ढंग से भरना, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका रैंक तो सही रहता है, जैसे 1,000, 1,500, 2,000 रैंक सही है, लेकिन रैंक के हिसाब से उनको ठीक से कॉलेज अलॉट नहीं होता है। यानी राउंड वन में उनको कोई कॉलेज और अलॉट हो गया और होना चाहिए था कोई और, ठीक है? तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि ये दो पॉइंट को जरा ठीक से समझना और ठीक से चॉइस फिलिंग को भरना, क्योंकि यही दो चीज़ डिसाइड करने वाला है। तो तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि तुमको कंसिडर करना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी कॉलेज, और तुम्हारे रैंक के हिसाब से तुम्हारे लिए कौन सा कॉलेज सही रहेगा। और मैं उसका एक रीज़न भी बताया कि हाँ ये तुमको क्यों करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मैं तुमको बता के छोड़ दिया कि ये कर लो, मैं उसका रीज़न भी एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ ये क्यों करना चाहिए। तो अगर तुम्हारा रैंक अंडर 5,000 है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर तुम्हारा रैंक 5,000 से ज़्यादा है, 6,000, 7,000, 10,000, 20,000 जो भी रैंक हो, तो तुम लोगों के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हर एक स्टूडेंट का कैटेगरी को कवरअप किया जाए। मैं पहले ही बता दिया था कि ये जो वीडियो सीरीज़ है मैं इसको 4 पार्ट में अपलोड करूँगा, कि 1 से लेकर के 5K से लेकर के 15K, 15K से लेकर 30K, एंड देन 30K से लेकर के 50K। तो ये हर एक स्टूडेंट्स का मैं जो चॉइस फिलिंग है, कॉलेज प्रेफरेंस है, ये कवर अप करने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं यही मान के चलूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा 1% भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो अगर फिर भी अगर वो 1% डाउट रह जाता है, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 दिन के बाद एक लाइव सेशन कंडक्ट करवाएंगे, या अगर तुमको कुछ ज़रूरी बात पूछना है तो कमेंट कर सकते हो, या जो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है @WBGHelpDesk, उस पर तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग वो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जान लेते हैं जो कि तुमको अंडर 5,000 में मिल सकता है। अब वैसे कॉलेज तो काफ़ी सारा है जो तुमको अंडर 5,000 में मिल सकता है, लेकिन हम लोग वही कॉलेज को डिस्कस करने वाले हैं जो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बेस्ट ऑफ बेस्ट आउटकम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि तुमको कोई भी कॉलेज सजेस्ट कर दिए। और ये भी बात ध्यान रख लो कि हम लोग यहाँ पर कॉलेज सजेस्ट करने के बाद तुमको उसका रीज़न ही बताएंगे कि तुमको ये क्यों लेना चाहिए, ठीक है? तो देखो, पहला नंबर में यहाँ पर जादवपुर आता है, फर्स्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है? तो इसमें देखो ये कितना ब्रांच है, इसमें टोटल बहुत सारे ब्रांचेस है। कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो काफ़ी सारे ब्रांचेस है। अब तुम यहाँ पर देखो कि मैं हर एक ब्रांच को ना एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया हूँ, ठीक है? तो देखो, मैं इस ब्रांचेस को मैं G1 बोल रहा हूँ, ये जो ब्रांचेस है मैं इसको G2 बोल रहा हूँ, और ये जो ब्रांचेस है मैं इसको G3 बोल रहा हूँ। कन्फ्यूज़न ना हो जाए इसलिए मैं क्या किया, ब्रांचेस को कंबाइन करके उनका एक नाम रख दिया। तो तुम यहाँ पर देखो, जो G1 जो ब्रांच है ना, उनको नॉन कोर बोला जा रहा है, ठीक है? जो G2 ब्रांच है उनको कोर ब्रांचेस बोला जा रहा है, और जो G3 ब्रांचेस है उनको एक्चुअली तुम कोर बोल सकते हो, और प्योर कोर तो नहीं बोल सकते, मतलब कोर बोल सकते हो, ठीक है? तो देखो, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा, मतलब तुम्हारे रैंक के हिसाब से क्या चीज़ सही रहेगा, ठीक है? और मैं उसका सबसे बड़ा बात कि मैं इसको रीज़न ही बताऊंगा कि तुमको वो क्यों करना चाहिए, ठीक है? तो ज़रा तुम लोग याद रख लो कि G1 में किसको बोल रहा हूँ, G2 किसको बोल रहा हूँ, और G3 किसको बोल रहा हूँ। यहाँ पर G का मतलब हुआ गवर्नमेंट, ठीक है? जब प्राइवेट का मैं बात करूँगा तो मैं वहाँ पर P बोलूँगा, ओके? तो यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, ये मैं बात बता दूँ, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंटेशन है और यहाँ पर फूड है, ये कोर के अंडर में नहीं आता है। कोर के अंडर में जनरली इलेक्ट्रिकल आता है, मैकेनिकल आता है, और सिविल आता है। यही मेनली कोर ब्रांचेस है हम लोग का, ठीक है? ये कोर ब्रांचेस है। तो ये तीन सबसे मेन कोर ब्रांचेस होते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंटेशन और फूड को तुम लोग बोल सकते हो कि कोर एंड नॉन कोर का मिक्सचर है, ठीक है? तो पहले हम लोग जरा ब्रांच को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सा कॉलेज है उसको डिस्कस कर लेते हैं,
तो अपन लोग समझेंगे कि तुम्हारे लिए कॉलेज का प्रेफरेंस एंड चॉइस फिलिंग क्या रहने वाला है। ओके, सेकेंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं हम लोग का कैलकटा यूनिवर्सिटी, तो ये इसको मैं सेकेंड नंबर पर रखूँगा। तो ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ये कैलकटा का मतलब मोस्ट पॉपुलर इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। इसको हम लोग सीयू नाम से भी जानते हैं, एक्चुअली में इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, ठीक है। इसमें लोग काफ़ी लोग सीयू बोलते हैं या कैलकटा यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर भी मैं जो जितना ही ब्रांचेस है ना, मतलब ये सारे ब्रांचेस हैं जो कि सीयू में पढ़ाया जाता है। जैसे तुम यहाँ पर, जैसे मैं जादवपुर में बताया था कि सारे ब्रांचेस हैं जो कि जादवपुर में पढ़ाए जाते हैं, तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ ना, मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड कर ले रहा हूँ ब्रांचेस को, G1 G2 G3। तो यहाँ पर भी देखो सेम G1 G2 G3, क्योंकि आगे ना तुमको कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए मैं क्या किया हूँ कैटेगरी वाइज ब्रांच को डिवाइड कर लिया हूँ, और तुमको समझ में आ जाएगी मैं ऐसा क्यों किया। ओके, तो देख सकते हो कि G1 मतलब वही हम लोग का नॉन कोर ब्रांच। और एक बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि कोर भी है नॉन कोर भी है, और ऐसा भी ब्रांचेस है जिनको तुम ना ही कोर बोल सकते हो ना ही नॉन कोर बोल सकते हो, यानी मिक्सचर है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि जो नॉन कोर ब्रांचेस है ना उनका प्लेसमेंट सबसे टॉप पर रहता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, नॉन कोर ब्रांचेस का प्लेसमेंट सबसे हाईस्ट होता है, वेदर इट इज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट। और ये बात ध्यान रखना कि प्राइवेट में सिर्फ और सिर्फ नॉन कोर का ब्रांचेस का प्लेसमेंट सही है, कोर का तो प्लेसमेंट है ही नहीं प्राइवेट में। तो ये बात ध्यान रखना, वो आगे भी मैं बता दूंगा, तो ये बात जरा नोट कर लेना। और यहाँ पर भी देखो G2 को मैं, इन ब्रांचेस को मैं G2 बोल रहा हूँ और इन ब्रांचेस को मैं G3 बोल रहा हूँ। तो ये हम लोग का हुआ CU। अब आगे बढ़ते कि और क्या का गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि तुमको अंडर 5,000 मिल सकता है। तो तीसरा जो है हम लोग का वो KGC है, तो ये तीसरा है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो यहाँ पर जो स्टूडेंट जो नॉन डोमेसाइल के हैं ना, उनके लिए JU में 10% सीट रिजर्व है, जो कि तुमको ऑलरेडी पता है JU में 10% सीट रिजर्व है। और क्या क्या तुम लोग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज हो गया जो नॉन डोमेसाइल स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहे हैं, सेकेंड में तुम्हारे लिए हो गया CU हो गया CU। तीसरे में आते हैं तुम्हारे लिए मकाउट आता है, और फोर्थ में आते हैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी। तो ये चार गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि नॉन डोमेसाइल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सिर्फ जादवपुर में 10% सीट रिजर्व है, बाकी जो कॉलेज हो गया ना इसमें ऐसा कुछ रिजर्वेशन का सिस्टम है नहीं, तो तुम लोग आराम से इसमें फाइट कर सकते हो जो डोमेसाइल स्टूडेंट्स हैं। और ये जो KGC हो गया जो मैं ही बात कर रहा हूँ, KGC हो गया जलपाईगुड़ी और कल्याणी, और जैसे हम लोग का पुरुलिया हो गया, तो ये तीनों जो गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो नॉन डोमिसाइल के जो स्टूडेंट्स हैं इनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो तुम लोग को बस ये चार कॉलेज में फाइट कर सकते हो जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो चलो KGC की बात करते हैं। तो देखो KGC की तरह भी सेम मैं इन ब्रांचेस को, ये जो तुम देख रहे हो इन ब्रांचेस को मैं G1 बोलूँगा, इन ब्रांचेस को मैं G2 बोलूँगा। चलो मूव करते हैं अब जलपाईगुड़ी में। तो जलपाईगुड़ी में भी सेम मैं इन ब्रांचेस को G1 बोलूँगा, इन ब्रांचेस को मैं G2 बोलूँगा। मैं क्यों G1 G2 बोल रहा हूँ, क्या फ़ायदा है, मैं आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि तभी तुमको चॉइस में क्या करना चाहिए वो सही समझ में आएगा, ठीक है। तो तुम लोग एक बार नोट कर लो कि मैं G1 G2 किसको बोला, JU में, देन फिर मैं उसी तरह मैं CU में कौन कौन सा को G1 G2 G3 बोल रहा हूँ। ये ध्यान रखना कि G1 G2 G3 मैं बोल किसको रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा तुम लोग जरा नोट कर लो क्योंकि आगे काम आने वाला है। उसी तरह KGC में कौन कौन सा मैं G1 G2 बोल रहा हूँ, देन JGC में मैं कौन सा G1 G2 बोल रहा हूँ। अब बारी आता है प्राइवेट कॉलेजेस का, सॉरी एक और गवर्नमेंट कॉलेज मिस हो गया, ये है पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको हम लोग राम कृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ही बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे जादवपुर हो गया, कल्याणी हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया ना, ये काफ़ी पुराने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं। लेकिन ये जो है पुरुलिया, ये 2016 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये काफ़ी नया है। अब ऐसा मत सोचो कि ये नया है तो इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए, इसका जो प्लेसमेंट का जो डेटा है वो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मतलब अदर जो कॉलेजेस है, ठीक है। तो इसको भी तुम कंसिडर कर सकते हो,
अगर तुमको सीट मिल रहा है तो। तो देखो सेम उसी तरह भी मैं इन ब्रांचेस को मैं G1 बोल रहा हूँ और इन ब्रांचेस को मैं G2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी जरा तुम लोग नोट कर लो। अब आता है प्राइवेट कॉलेजेस का बारी। ओके, तो देखो मैं प्राइवेट कॉलेज को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे गवर्नमेंट में क्या था, G1 था, G2 था, G3 था, ठीक है। लेकिन मैं प्राइवेट को P1 एंड P2 में डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, अब एक बात नोट करो, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, डोंट चूज़ P2। P2 को गलती से भी चूज़ मत करना। अब स्टूडेंट तो बोलेंगी, अरे मुझे तो IA मिल रहा है, IA में मुझे P2 मिल रहा है, तो मुझे P2 क्यों नहीं लेना चाहिए। तो मैं उसका रीज़न आगे ज़रूर बताऊंगा। जरा तुम लोग एक बार जरा बस नोट करते जाओ कि मैं P1 P2 क्या बोल रहा हूँ। और ये भी बात नोट करो कि एक पहले ना क्या था, पहले CSE, सिर्फ CSE था, अब क्या हो गया, CSE जनरल हो गया। ये जनरल है एक्चुअली, ऐसा मत समझो कि जनरल कैटेगरी है, मतलब कि सब कुछ पढ़ाया जाएगा CSE में, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। और इसमें तुमको स्पेसिफिकली AI एंड मशीन लर्निंग यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ही पढ़ाया जाएगा। और फिर यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो CU को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। 2020 से ये चीज हुआ है, 2019 में चीज नहीं था, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या क्या मैं बता रहा हूँ P1 P2 करके। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हम लोग का हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो ये देखो इसमें भी मैं क्या लिखा हूँ, ये P1 है, ये P2 है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ब्रांचेस तुमको पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पर तुमको सिविल भी मिलेगा, काफ़ी कम ही कॉलेज में सिविल तुमको मिलता है। तो यहाँ पर तुमको सिविल मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी भी है यहाँ पर, काफ़ी सारे कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी नहीं मिलते, जो प्राइवेट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हेरिटेज हो गया। और तीसरे नंबर पर हम लोग आता है टेक्नो मेन सॉल्ट लेक। अब देखो मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा, टेक्नो इंडिया ग्रुप है, ठीक है। जरा रुको, क्या बता रहा हूँ मैं कि एक ग्रुप है टेक्नो इंडिया, ये बेसिकली एक ग्रुप का नाम है। अब देखो इसके अंडर ना काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस है इसके अंडर ही, टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर ही। जैसे ये जो टेक्नो मेन जो हम देख रहे हैं ना, ये टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर ही आता है। उसी तरह एक होता है जो टेक्नो मेन लिखा है, तो जैसे तुमको बता दे रहा हूँ मैं, ये टेक्नो मेन है, ये जो है ये सॉल्ट लेक में है। एक होता है हम लोग का टेक्नो बाटा नगर, तो ये बाटा नगर में है। एक है टेक्नो न्यू टाउन, ठीक है, टेक्नो न्यू टाउन नाम इसका। फिर एक है टेक्नो इंटरनेशनल, शायद कुछ है ये ऐसे ही कुछ है, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ऐसे कुछ है। तो यहाँ पर पॉइंट यही है कि टेक्नो नाम का ही काफ़ी सारा कॉलेजेस तुमको देखने को मिलेंगे, टेक्नो मेन, टेक्नो बाटा नगर, टेक्नो न्यू टाउन, टेक्नो इंटरनेशनल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी हो। तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना। और ये बात ध्यान रखना, सारे में सिर्फ टेक्नो मेन ही जो है वो सबसे बेस्ट है, बाकी जो गया टेक्नो बाटा नगर, न्यू टाउन, ये उतने अच्छे नहीं हैं, जो कि टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर में आता है। और टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर अभी आते हैं जैसे नेताजी हो गया, मेघनाथ हो गया, तो ये सब अच्छे हैं। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो कि सिमिलर है, वो सब नाम जो कि सिमिलर है टेक्नो के, तो उनमें सबसे अच्छा टेक्नो मेन है। तो ये कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ठीक है। तो समझ गए, तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे कि अगर तुम्हारा रैंक 5000 से कम है तो तुमको क्या कि देखो और भी कॉलेज है जो कि तुमको मिल सकता है, लेकिन मैं वही कॉलेज को कंसिडर किया हूँ जो कि तुमको मिल जाएंगे, इससे दूर से जाने की दरकार नहीं है। बस समझ सोच कि टेक्नो के आगे भी मैं कोई प्राइवेट कॉलेज नोट कर रखा, वैसा नहीं है, कुछ नहीं है टेक्नो के आगे। तो प्राइवेट में IIM हो गया, हेरिटेज हो गया, टेक्नो हो गया, ये जो तीन कॉलेज है ये तुमको मिल सकता है। और इसके अलावा और कोई चौथा नहीं लेना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट का बात किया जाए तो चार है, जादवपुर है, सेकंड में CU है, सॉरी पाँच है, कल्याणी है, जलपाइगुड़ी है, पुरुली है। तो ये पाँच के अलावा कोई छठा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लेना है अगर तुम्हारा अंडर 5000 के रैंक है तो। अब आता है काम का बात, अब समझते हैं कि कॉलेज प्रेफरेंस एंड चॉइस फिलिंग कैसे करना है, और समझते हैं कि क्यों करना चाहिए तुमको वो। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिख के रखा हूँ, ये हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए, ठीक है। रैदर चूजिंग P2, क्या लिखा हूँ, रैदर चूजिंग P2। P2 तुम समझ ही गए कि मैं कौन कौन सा ब्रांचेस का बात कर रहा हूँ। अगर नहीं पता है तो
तुम लोग जरा पीछे मुड़ के चले जाओ। मैं उसका इसका जो PDF है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना और समझना कि मैं क्या क्या बता रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि P2 को चूज़ करने के बजाय तुम P1 को चूज़ करो, अदर जो प्राइवेट कॉलेज है। देखो P फॉर प्राइवेट, ये समझ जाओ, ठीक है। और P2 का मतलब यहाँ पर हुआ कोर ब्रांचेस। तो मैं तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कोर ब्रांचेस बिल्कुल मत लेना इन प्राइवेट कॉलेज, रैदर टुक नॉन कोर ब्रांचेस इन अदर प्राइवेट कॉलेज। तो ये बात क्लियर है। अब तुम बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो कोर ब्रांच ही लेके पढ़ना है, तो देखो मैं बता दिया हूँ कि अगर तुमको कोर ब्रांच लेके पढ़ना है तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है, ठीक है। जैसे यादवपुर हो गया, CU हो गया, KGC, JGC, पुरुलिया, तो ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें तुम कोर ब्रांच लेके पढ़ सकते हो। अब तुम बोलोगे नहीं मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल रहा है, तो देखो और ही एक एक ही ऑप्शन है, सॉरी दो ऑप्शन है। या तो तुम मेंस का एग्ज़ाम जो दिए उसके द्वारा तुम कोई दूसरा प्राइवेट कॉलेज लो जिसमें तुमको कोर ब्रांच मिल रहा है। देखो जो WBG के अंदर जो जो प्राइवेट कॉलेज आते हैं ना, जो जो प्राइवेट कॉलेज जो WBG के अंडर आते हैं उसमें कोर ब्रांच तुमको अच्छा नहीं मिलेगा। हो सकता है जो मेंस में जो तुमको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है उसमें तुमको कोर ब्रांच अच्छा मिल जाएगा। तो या तो तुम मेंस के द्वारा कोई कोर ब्रांच ले लो, या तुम नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ाई करो और अच्छा से प्रिपेयर करो मेंस के लिए। तो चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है, अब यहाँ से जरा वीडियो को एकदम 100% फोकस दे दो, ठीक है। एकदम टाइट से बैठ जाओ और समझो कि मैं क्या क्या बताना चाहता हूँ। और ऐसा मत समझो कि मैं बस बताऊँगा, मैं इसका रीज़न भी बताऊँगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं उसका रीज़न भी बताने वाला हूँ। तो देखो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने प्रकार के हैं जो जो चॉइस प्रिंग करने वाले। अब देखो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं ना, देखता है कि मेरा जो मतलब फ्रेंड जो चॉइस प्रिंग किया है मैं भी वही चॉइस प्रिंग कर दूंगा, समझे, यही करते हो लोग जनरली। लेकिन ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि तुम्हारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट है क्या। तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से तुमको चॉइस प्रिंग देना होगा, ना कि तुम्हारे फ्रेंड के हिसाब से। तो देख सकते हो पहला स्टूडेंट ये हो सकता है जिनको सिर्फ गवर्नमेंट का टैग चाहिए, मतलब उनको ये मैटर नहीं करता है कि मुझे क्या ब्रांच मिल रहा है, कौन सा ब्रांच मिल रहा है, प्लेसमेंट कैसा है, उनको बस गवर्नमेंट का टैग से मतलब है। अब देखो जो स्टूडेंट को सिर्फ गवर्नमेंट का टैक्स मतलब है ना, तो उनके लिए जो चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर होगा यानी जो कॉलेज प्रेफरेंस का जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। कैसे होगा? इस तरह से होगा। क्या क्या है? JU है, CU है, KGC, JGC, पुरुलिया। क्योंकि देखो कोई की मतलब स्टूडेंट सोचता है कि नहीं JU तो JU, CU तो CU, KGC तो KGC और JGC तो JGC, मतलब उनका सोच बस यही रहता है कि किसी तरह भी मुझे गवर्नमेंट का टैग मिल जाए। मैटर ये नहीं करता है कि मुझे कौन सा ब्रांच मिल रहा है, ठीक है। तो अगर तुम इस कैटेगरी के स्टूडेंट से बिलोंग करते हो तो तुम्हारा जो चॉइस फिलिंग होना चाहिए कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखो समझो चॉइस फिलिंग कैसे होना चाहिए। जब तुम चॉइस फिलिंग का जब पोर्टल पर तुम जाओगे ना, तो तुमको काफ़ी सारा एक लिस्ट दिखेगा, तो तुमको कुछ ऐसा चॉइस करना चाहिए। जैसे बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट में तुमको ये तुम्हारा फर्स्ट चॉइस है, ठीक है, JU में G1 ब्रांच। अब G1 में किसको किसको बोल रहा था तुम लोग एक बार जा करके देख लो, इसलिए मैं बोल रहा था कि नोट करके रख लो कि मैं G1, G2, G3 किसको बोल रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड चॉइस तुम्हारा क्या होना चाहिए? JU G2। थर्ड चॉइस तुम्हारा क्या होना चाहिए? JU G3। अब देखो तुम इसको इसको स्वाइप कर सकते हो अगर तुम्हारा कोर में इंटरेस्ट है। तो अगर तुम्हारा कोर में इंटरेस्ट है यानी कि अगर तुमको G2 ब्रांच में इंटरेस्ट है तो तुम ऐसे कर सकते हो, JU का G2, G1 और G3 तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम नॉन कोर को प्रेफर करोगे पहले कि कोर को पहले प्रेफर करोगे। तो जिसको प्रेफर करोगे उसको पहले रखना, ठीक है। जैसे सपोज तुमको मतलब नॉन कोर में इंटरेस्ट है, तो अगर नॉन कोर में इंटरेस्ट है तो ये देखो, अगर तुमको कोर में इंटरेस्ट है तो ये देखो। और G3 ऐसा ब्रांच है जिसको ना ही कोर बोल सकते हैं ना ही नॉन कोर बोल सकते हैं, इसलिए मैं इसको ज़रा लास्ट पोजिशन पर रखा हूँ। तो अगर तुम वो स्टूडेंट है जिसको सिर्फ टैग से मतलब है कि मुझे बस एक गवर्नमेंट का टैग चाहिए, तो तुम्हारे लिए चॉइस मिलेंगे ये कुछ इस ये होगा। अब दूसरे वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं
जो सोचते हैं कि नहीं मुझे गवर्नमेंट टैक्स से भी मतलब है, और प्लस मैं प्लेसमेंट भी देखूंगा कि हाँ प्लेसमेंट कैसा है। ऐसा नहीं कि मैं बस गवर्नमेंट टैग लेके बैठ गया, प्लेसमेंट 4 साल के बाद कुछ प्लेसमेंट लगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वो स्टूडेंट है। तो अगर तुम स्टूडेंट वन अगर सोचते हो तो मैं क्या होता है, स्टूडेंट वन का मैं बता दिया हूँ, अब स्टूडेंट टू का मैं चलो बताता हूँ कि उनके लिए कॉलेज प्रेफरेंस और चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए। तो अगर तुम स्टूडेंट टू के कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारा जो चॉइस फिलिंग है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट टू यानी क्या, जिनको गवर्नमेंट, एक सेकेंड, जिनको गवर्नमेंट का टैक्स से भी मतलब है, प्लस वो ये सोचते हैं कि मुझे प्लेसमेंट भी तो देखना है। ऐसा तो नहीं ना कि मैं बस गवर्नमेंट का टैग लेके बैठ गया और प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं वैसा। तो देखो तुम डिफरेंस देख सकते हो। मैं स्टूडेंट वन में मैं पहला पॉइंट क्या लिखा था, मैं कुछ ऐसा लिखा था, जेयू का G1 G2 G3 कुछ ऐसा लिखा था, उसी तरह सीयू का G1 G2 G3, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे करना चाहिए चॉइस फिलिंग। देखो मैं यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं जेयू को, रुको, यहाँ पर देखो मैं जादवपुर G1 इसको मैं पहला चॉइस बता रहा हूँ, फिर जादवपुर का G2 इसको मैं दूसरा चॉइस बता रहा हूँ, लेकिन मैं तीसरा चॉइस इसको नहीं बता रहा हूँ। देखो तो अगर तुम्हारे लिए मैटर ये करता है, अब तो हो सकता है तुम ये सोच सकते हो कि मेरे लिए मैटर ये करता है कि मैं जादवपुर से पढ़ूँ, अगर तुम्हारे लिए ये मैटर करता है, यानी तुम्हारे लिए बस मैटर टैग करता है, तो मैं पहले ही बता दिया अगर तुम्हारे लिए ये मैटर करता है तो तुम स्टूडेंट वन के साथ तुम जा सकते हो, ठीक है, ओके। लेकिन अगर तुम्हारे लिए मैटर ये करता है कि नहीं मुझे प्लेसमेंट भी देखना है, सिर्फ टैग से मतलब नहीं है, तो जैसा कि मैंने बताया G3 तुम्हारा थर्ड चॉइस G3 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारा जो थर्ड चॉइस है वो ये होना चाहिए, सीयू का G1, फिर फोर्थ चॉइस क्या होना चाहिए, सीयू का G2, समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ। उसी तरह KGC का G1 तुम्हारा फिफ्थ चॉइस होना चाहिए। अच्छा तो तुम यहाँ पर देखो, मैं कहीं पर ये लिखा ही नहीं हूँ, तो ये कहाँ चला गया, उड़ गया क्या कहीं पर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जेयू का जो G3 है ना, जेयू का जो G3 है, कमाल का ब्रांचेस है, मतलब ये ब्रांचेस है जो कि तुम्हारा स्किल पर डिपेंड करेगा। अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं जादवपुर में G3, G3 का मतलब हो गया प्रोडक्शन, केमिकल, प्रिंटिंग, ये सब हो गया। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं ये ब्रांच लेके जादवपुर में चला जाता हूँ, और साइड बाय साइड में जो नॉन कोर ब्रांचेस है या जो कोर ब्रांचेस है उनका प्लेसमेंट का मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हारा ये सोच है कि हाँ मैं जादवपुर का जो G3 ब्रांचेस है वो ले करके मैं साइड बाय साइड बाकी सब ब्रांचेस में के लिए पढ़ाई कर सकता हूँ, प्लेसमेंट में बैठ सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि इसको तुम यहाँ रख सकते हो, इसको तुम यहाँ पर भी रख सकते हो, इसको तुम यहाँ पर भी रख सकते हो, इसको तुम यहाँ पर भी रख सकते हो। अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या उतना एफर्ट दे सकते हो। देखो ऐसा नहीं कि तुम अगर जादवपुर में अगर G3 ले लिए तो तुम्हारा प्लेसमेंट चुपचाप हो जाने वाला है, ऐसा नहीं है। तुमको G3 में अगर लेना है तो तुमको उसके लिए अलग से पढ़ाई करना पड़ेगा, और जो नॉन कोर ब्रांचेस है तो तुमको नॉन कोर ब्रांचेस के लिए मेहनत करना पड़ेगा, जो कोर ब्रांचेस है उनके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो होपफुली मैं क्या बताना चाहता हूँ तुमको समझ में आ गया होगा। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम जेयू G3 को कहाँ कौन सा पोजीशन पर तुम रखना चाहते हो। ये जनरली उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जिनका रैंक, मतलब एक्चुअली जैसे ऐसा कुछ होता है फिगर, जैसे जैसे मान लो किसी का रैंक है 1712, तो ये सब चीज़ें जनरली उन स्टूडेंट के साथ ही होता है कि ये उनको समझ में नहीं आता है कि मैं अब क्या करूँ, मैं जादवपुर में क्या मैं जो लोअर ब्रांच हो गया उसको इसके साथ में जाऊँ, या कोई और कॉलेज में मैं ले लूँ। तो देखो अब तुम्हारे ऊपर है कि अगर तुमको टैग मैटर करता है, तो अगर तुम्हारा टैग बहुत मैटर करता है कि मुझे जादवपुर से ही पढ़ना है, तो तुम सिंपली मैं ये बोलूँगा कि तुम यहाँ पर जेयू को G3 रख दो। तो तुमको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रेफरेंस कैसे देना होगा। ओके इस स्लाइड में जो भी डेटा है वो सबका मैं PDF अटैच कर दूंगा, तो एक बार उस PDF को डाउनलोड कर लो और समझो मैं क्या क्या ऑर्डर में बताया हूँ और क्यों बताया हूँ। ओके।
अब लोग मूव करते हैं स्टूडेंट थ्री के पास। तो स्टूडेंट वन का काम हो गया, स्टूडेंट टू का काम हो गया, अब स्टूडेंट थ्री क्या बोल रहा है, देखो नहीं मुझे ना गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ मैं वही गवर्नमेंट कॉलेज को चूज़ करूँगा जिनका प्लेसमेंट अच्छा है। ऐसा नहीं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कर लिया, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ वही करना है जिनका प्लेसमेंट अच्छा है। ठीक है, देखो स्टूडेंट टू में, स्टूडेंट टू ये बोल रहा था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन स्टूडेंट थ्री ये बोल रहा है कि नहीं मेरे पास गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ मेरे पास प्राइवेट कॉलेज का भी ऑप्शन है। लेकिन स्टूडेंट टू के पास कोई प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन था नहीं। हो कोई भी स्टूडेंट होता है जिनका ये थिंकिंग होता है कि नहीं मुझे प्राइवेट में तो जाना ही नहीं है, मुझे गवर्नमेंट में ही जाना है, तो उन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि स्टूडेंट थ्री ये स्टूडेंट है जिनका थॉट ये है कि नहीं मुझे प्राइवेट भी मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट का क्या क्या जो चॉइस नहीं होना चाहिए ये डिस्कस करते हैं। अब देखो जो स्टूडेंट थ्री है जिनका ये थॉट है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज वही सिलेक्ट करना है। हाँ स्टूडेंट क्या हो रहा है ये, रुको जरा। तो स्टूडेंट थ्री का यही थॉट है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज वही इंसर्ट करना है, वही इंसर्ट करना है जिसका प्लेसमेंट अच्छा है। अब देखो तुम ध्यान दोगे, मैं स्टूडेंट टू में ना, स्टूडेंट टू में मैं हो सक मैं देखना मैं पुरुलिया का भी नाम लिया था, पुरुलिया G2 का नाम लिया था और JEE का भी नाम लिया था। अब देखो इनका प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट टू तो यही बोल रहा था मुझसे कि नहीं मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए और कोई कॉलेज से मुझे, प्राइवेट कॉलेज से मुझे तो मतलब है ही नहीं। लेकिन स्टूडेंट थ्री ये बोल रहा है मुझे गवर्नमेंट कॉलेज वही चाहिए जिनका प्लेसमेंट अच्छा है और प्राइवेट कॉलेज भी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो इन स्टूडेंट के लिए जो पहला चॉइस होगा, देखो ये तुम्हारा पहला चॉइस होना चाहिए, ये तुम्हारा सेकंड चॉइस होना चाहिए, ये थर्ड चॉइस होना चाहिए, मतलब फिलअप ऐसे करना 1 2 3 4, मतलब ऐसे करना, मैं एक साथ लिख दिया तुमको ऐसे करना होगा। JEE का G1, JEE का G2। अब देखो G1 में भी तुम प्रेफरेंस दे सकते हो, सपोज तुम CSE को पहले प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, या तुम हो सकता है तुम पहले EC को पहले प्रेफरेंस दे रखो, तो अब वो तुम्हारे ऊपर है कि G1 के अंदर अब तुम किसको प्रेफरेंस पहले दोगे। ठीक है, तो समझ गए, उसी तरह CO थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो होपफुली तुमको समझ में आ गया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। और यहाँ तक कि मतलब जो कॉलेजेस है जिनका प्लेसमेंट अच्छा है, मतलब हो जाता है अच्छा और ठीक से पढ़ोगे तो, और फिर मैं बाकी को कंसिडर किया नहीं। अब मैं पुरुलिया का जो G2 है उसका कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, जो JEE का जो G2 है उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, जो कल्याणी का जो G2 है उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। देखो कंसिडर तभी करना जब तुम्हारा कोर में इंटरेस्ट है, अगर तुम्हारा कोर में इंटरेस्ट नहीं है तो कंसिडर मत करना। तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ कि ये जो कॉलेज जो मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ इनको तभी कंसिडर करना अगर तुम्हारा कोर में इंटरेस्ट है, अगर कोर में इंटरेस्ट नहीं है तो कंसिडर करने की दरकार नहीं है, तुम प्राइवेट में मूव कर जाओ। ठीक है, तो ये हुआ स्टूडेंट थ्री के बारे में कि स्टूडेंट थ्री को क्या क्या सेलेक्ट करना चाहिए। अब बात आता है स्टूडेंट फोर, तो स्टूडेंट फोर बोल क्या रहा है पहले हम ये देखते हैं। तो स्टूडेंट फोर का सिंपल कहना है कि मुझे बस प्लेसमेंट से मतलब है, कि मेरे लिए मैटर ये नहीं करता है कि कौन प्राइवेट है कौन गवर्नमेंट है, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मैटर यही करता है कि प्लेसमेंट किस में अच्छा है, मुझे प्लेसमेंट का जो डेटा है वो दे दो। और देखो ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा हो कि प्लेसमेंट मैटर करता है, अगर तुम TFW कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर तुम TFW कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुमको स्टूडेंट फोर के साथ जाना चाहिए, या अगर तुम्हारा कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है तो तुमको स्टूडेंट फोर के साथ जाना चाहिए। समझ गए कि स्टूडेंट फोर के साथ किसको किसको जाना होगा, इफ़ यू आर TFW एंड इफ़ यू हैव नो फाइनेंशियल इशू। तो स्टूडेंट फोर वही बोल रहा है कि मुझे प्लेसमेंट से मैटर है। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखो हो सकता है स्टूडेंट फोर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता होगा या वो TFW कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, जो TFW के जो कैटेगरी स्टूडेंट उनको पता है कि हाँ वो क्या है। एक्चुअली एक्चुअली जो TFW है ना उसमें कोई मतलब नो सेमेस्टर फी, मतलब होता क्या है जो प्राइवेट कॉलेज है ना उसमें सेमेस्टर फी जो है 45,000 लगता है एवरेज, तो ये जो 45,000 ये नहीं देना पड़ता तुम लोगों को अगर तुम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारा कोई
टीएमयू कैटर से बिलोंग करते हो तो तुम स्टूडेंट फोर के साथ जा सकते हो, जो कि बोल रहा है मुझे प्लेसमेंट से मतलब है और कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है। ओके तो ये सब वो चॉइस मेकिंग का जो ऑर्डर है जो कि तुमको करना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखा हूँ कि JU C3 कहाँ बैठा है, JU C3 को कहाँ बैठा है, यहाँ पर भी मैं यही लिखा हूँ कि JU C3 कहाँ बैठा है। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि JU C3 को तुम पे ऊपर डिपेंड करेगा तुम कहाँ पर बैठा सकते हो। तुम इसको यहाँ पर ही बैठा सकते हो, यहाँ पर ही बैठा सकते हो, यहाँ पर ही बैठा सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम्हारा मतलब कितना मैटर करता है। अगर तुमको लगता है कि हाँ मैं जादवपुर में प्रिंटिंग प्रोडक्शन लेकर के मैं जो बाकी के ब्रांचेस है उनके लिए मैं मेहनत कर सकता हूँ साइड बाई साइड, तो तुम ले सकते हो, उसको तुम ऊपर रख सकते हो। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है कि तुम चाहते नहीं कि मैं अलग से ज़्यादा मैं प्रेशर झेलूँ ये झेलूँ, तो तुम उसको नीचे रख दो, सिंपल से बात है। अगर तुम कुछ समझ में नहीं आ रहा या तुमको लग रहा है कि हाँ हो भी जाएगा नहीं भी होगा, तो तुम बीच में रख दो, ठीक है। तो समझ गया कि मैं JU C3 कहाँ रखने के लिए बोल रहा हूँ, तुम पर है कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। ओके और अगर TEW कोटा से बिलोंग करते हो, और बात रहा TEW का, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैं जैसे बोल रहे थे कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म के समय मैं TEW को येस फिलअप कर दिया, येस फिलअप किया हूँ। अब सपोज वो TEW सर का सर्टिफिकेट है वो बना नहीं पा रहे हैं, मतलब अब येस तो कर दिए वो बिलोंग करते भी है, तो अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, देखो समझो, अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है तो तुम्हारा ऑर्डर ये रहेगा। अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है TEW का, तो सिंपली तुम TEW का जो रो है ना, ये रो है TEW का रो है, ये TEW का रो है, इसको तुम डिलीट कर दो, इसको तुम डिलीट कर दो अगर तुम्हारा TEW का रो है तो। अगर तुम TEW का सर्टिफिकेट बना नहीं पाए, अगर TEW का सर्टिफिकेट बनाया हो तभी मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट फोर के साथ जाओ, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि देख सकते हो मैं प्राइवेट कॉलेज को सबसे ऊपर रखा हूँ, ठीक है। अब तुम लोग में से काफ़ी स्टूडेंट का ये क्वेरी रहेगा कि देखो मैं यहाँ पर जादवपुर को तो टॉप पे रखा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जादवपुर टॉप पर क्यों है, वो जादवपुर के अलावा किसी को तुम कंपेयर कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। वो काफ़ी प्लेसमेंट भी अच्छा है, प्लेसमेंट के मामले में तो जादवपुर इज़ अ टॉप, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देख सकते हो यहाँ पर कल्याणी जलपाईगुड़ी को मैं यहाँ पर नीचे कर दिया, और जो प्राइवेट है मैं उनको ऊपर कर दिया, क्योंकि देखो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि यहाँ पर प्लेसमेंट, जिस स्टूडेंट का प्लेसमेंट मैटर करता है तो उनको ऐसे ऑर्डर फिलअप करना चाहिए। क्योंकि तुम अगर देखोगे वेबसाइट पर किसी से पूछोगे तो प्लेसमेंट वाइज ये कॉलेजेस अच्छा है। अब तुम बोलोगे कल्याणी तो मतलब गवर्नमेंट है, मैं उसको क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, जलपाईगुड़ी तो गवर्नमेंट, उसको क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो देखो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट से तुमको गवर्नमेंट लेकर क्या करोगे, टैक्स से मतलब, अगर जादवपुर होता, खड़गपुर होता या दुर्गापुर होता, अगर ये सब गवर्नमेंट कॉलेज होता तो उनका टैग मैटर करता है। लेकिन तुम बाहर के स्टेट में जाओगे, कोलकाता से बाहर अदर स्टेट में जाओगे, तो तुम बोलोगे कि मैं जलपाईगुड़ी से पढ़ा हूँ या कल्याणी से पढ़ा हूँ, तो ये टैग मैटर नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं तुमसे हाँ कल्याणी किधर है, जलपाईगुड़ी किधर है। और तो उतना बड़ा टैग इन लोगों का है नहीं है, पहला बात, और दूसरा बात कि प्लेसमेंट भी वैसा नहीं है, इसलिए मैं इसको नीचे रखा हूँ और मैं प्राइवेट को टॉप को रखा हूँ। तो होपफुली तुमको ये बात समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। ओके और ये बात ध्यान रखो कि मैं ऑर्डर एक्चुअली ये बोल रहा हूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी ऊपर में वो रखो जो कि जो मतलब अच्छे है, और नीचे में मतलब ऊपर से नीचे कमते रहो मतलब ऐसे, ठीक है। क्योंकि जो सिस्टम है, सिस्टम ऊपर से नीचे चेक करता है। तो देखो जैसे मान लो एक तो एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान समझो। सपोज तुम्हारा चॉइस में ये है, इसको ये 1 नंबर चॉइस है तुम्हारा, ये सेकंड चॉइस है, ये थर्ड चॉइस है, ये फोर्थ चॉइस है, ये फिफ्थ चॉइस है, ये सिक्स्थ चॉइस है, ऐसे करते करते काफ़ी सारा चॉइस है। अब देखो ये मत समझो कि जादवपुर में ये भी हो सकता है, जैसे मतलब जादवपुर में तुम पहले CSE दे दिए हो, जादवपुर में तुम पहले फिर IT दे दिए, जादवपुर में तुम पहले EC दे दिए, तो ये सब चॉइस है, यानी कि सब चॉइसेस के अंदर चॉइसेस। तो देखा जाए तो ये एक्चुअली तुम्हारे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर थ्री यानी टोटल 4 चॉइस है एक्चुअली। छोड़ो वो सब, तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि सिस्टम जो है यह ऊपर से नीचे चेक करता है, ठीक है। सपोज तुम्हारा ये सब कॉलेज है, ये सब कॉलेजेस का नाम है जो कि तुम दिए हो, सब सिस्टम क्या करता है, सिस्टम ऊपर से नीचे मूव करता है कि अब देखते हैं किस कौन सा कॉलेज तुम्हारा लॉक हो रहा है।
तो सपोज ये जो कॉलेज है ना, ये तुम्हारा हो पा रहा है, तो क्या करेगा, इसको लॉक कर देगा, इसको अलॉट कर देगा, और जो बाकी के कॉलेज है उनको अब देखेगा नहीं, मतलब नेक्स्ट राउंड में, तो इसको तुमको अलॉट कर देगा। और फिर सेकेंड राउंड में तुम्हारा सिस्टम जो है फिर ऊपर से नीचे चेक करेगा, ऐसे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे ही चेक करता है, क्योंकि ऊपर में तुम अच्छा दिए हो और नीचे में उतने अच्छे नहीं दिए हो, तो अभी सिस्टम जो ऊपर से नीचे ही चेक करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो अपना जो चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर है वो ऊपर से नीचे भरना, यानी कि ऊपर में अच्छा 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 ऐसे, मतलब समझ रहे हो ना, कि प्रेफरेंस को घटाते जाना ऊपर से नीचे। ओके, तो मान लो सेकेंड में तुम्हारा ये चॉइस ये लॉक हो गया, तो हुआ क्या, ये जो था ये प्रीवियस वाला को तुमको डिलीट कर देगा, ये अब नहीं रहेगा तुम्हारा, और तुमको इसको नया कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं चलो सब भर देता हूँ, जो अच्छा होगा मुझको सिस्टम दे देगा, ऐसा नहीं है। तुम ऑर्डर के हिसाब से तुम्हारा कॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं कि जो अच्छा है वो दे देगा, ऐसा नहीं, ऑर्डर वाइज तुमको पहले से देकर रखना पड़ेगा। अब सिस्टम तुमको ऊपर से नीचे चेक करेगा, जो उसको मतलब देख रहा है कि हाँ ये लगने वाला है, तो इसको अलॉट कर दो बस, सिंपली। ठीक है, वो ये नहीं देखता कि अच्छा है ख़राब है, बस वो यही देखता है कि तुम्हारे इसमें होने वाला है या होने वाला नहीं है। तो रिमेंबर, ऊपर से नीचे चेक करता है, जहाँ उसको लगेगा वहाँ पर लॉक कर देगा। अब कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए, जैसे यहाँ पर तो WPG का पोर्टल ओपन हुआ नहीं है कि चॉइस फिलिंग का मैं तुमको वीडियो दिखा सकूँ, तो उसका जब इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तो उसका मैं वीडियो बना बता दूंगा कि ये देखो ऐसे ऐसे करना है। फिलहाल इस वीडियो में तुमको बस ये बताना था कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है और कॉलेज का प्रेफरेंस क्या देना है। तो होपफुली तुम्हारा जितना भी डाउट था इस वीडियो में कवर हो गया होगा। तो अगर तुम्हारा अंडर 5000 रैंक है तो मैं बोलूँगा तो इन तुम जादापुर को भी दे दो। ठीक, देखो अब देखो अंडर सपोज तुम्हारा 4000 है, तो तुम बोलेंगे इसको मैं क्यों दूँ, इसमें तो मिलने वाला चांसेस है नहीं, देने में क्या है, दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं देने में, ठीक है, चांसेस बना के रखो। और क्या, अगर सिस्टम लॉक हुआ तो मिल जाएगा तुमको लक का अच्छा रहा, अगर नहीं मिलता तो ठीक है, बाकी सब कॉलेज में तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली तुमको ये वीडियो मतलब अच्छा लगा होगा, अपना समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ अगर मतलब डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, मैं अपना टेलीग्राम आईडी बता दे रहा हूँ, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, ये टेलीग्राम आईडी मेरा, तो इस पर तुम कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। ठीक है, मैं एक्चुअली नंबर तो शेयर नहीं कर सकता हूँ पब्लिकली, तो या तुम WPG का हेल्पलाइन सेंटर है, तुम वहाँ पर हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट एक दूसरे को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, तो तुम उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, या तुम कमेंट कर दो, कमेंट का भी हम लोग सारा कोशिश करते हैं कि हर एक स्टूडेंट का जो कमेंट है उसका रिप्लाई दे दे। ओके, तो होपफुली ये कोशिश करो कि समझने का, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो।